नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा रोड के चंद्रश एकार्ड सोसाइटी की सदस्यों ने आज मीरा भाईंदर में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बहिष्कार डाल दिया है। सत्ता पक्ष के लिए कितने सम्मान की बात है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जहां पे 24 घंटे पानी देने की बात विधायक मेहता कर रहे हैं, वहीं पर स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे। उन्होंने तंग आकर के आज बहिष्कार और निषेध करने का काम किया है। आइए देखिए मेरे साथ सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ये लोकसभा 2019 को हम लोग ये चुनाव में बहिष्कार डाल रहे हैं। हमारा बिल्डिंग नंबर 21 चंद्रेश एकॉर्ड मीरा रोड बहिष्कार कर रहा है ये लोकसभा इलेक्शन का, क्योंकि हमारे पास पानी का कोई सुविधा नहीं हो रहा है। दो लाइन सब कोई बिल्डिंग, आधे बिल्डिंग को दो लाइन दिए, क्योंकि तीन माले का बिल्डिंग है। और बोलते बीएमसी वाले बोलते 15 मेंबर के ऊपर जब मेंबर रहेगा तो दो लेना। हमारा 16 फ्लैट है, 15 फ्लैट वाले को हम लोग एक ही सिंगल लाइन देते हैं। 15 फ्लैट वाले को और लोगों को क्यों दिया गया है, और बिल्डिंग वाले को क्यों दिया गया है? हम लोग तो क्या, हमारे बिल्डिंग में कम से कम 16 फ्लैट में हर फ्लैट में 10, 12, 13 ऐसा अति रहते हैं। तो हमारे बिल्डिंग के अंदर 150 वोटिंग है, 150 वोटिंग हम लोग बहिष्कार करते हैं, और बहिष्कार करके अभी वोटिंग वोटिंग कोई कोई वोटिंग नहीं जाएगा और कोई वोटिंग नहीं डालेगा। किसी भी पार्टी को हमारे बिल्डिंग के अंदर आने से मना किया जा रहा है। कोई भी पार्टी का आदमी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारे बिल्डिंग के अंदर मना ही है आना। पानी नहीं दे रहे हम लोग को, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और बिल्डिंग वाले लोगों को, तीन माले बिल्डिंग 15 मेंबर को या 15 फ्लैट होने वाले को हम लोग एक लाइन देते हैं, दो लाइन नहीं देंगे ऐसा तुम लोग जवाब देते हैं, तो क्यों हम लोग वोटिंग करें? कहे के लिए तुम्हारे पीछे दौड़े, कहे के लिए कोई पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम लोग नहीं वोटिंग करेंगे कोई। ये मेंबर लोगों को ये आने वाले चुनाव को आने वाले चुनाव में ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2019 का, अभी बोलो विधानसभा के हो रहा है, कोई वोट नहीं डालने वाले, बहिष्कार। और इसके बाद ये चुनाव होने के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख आंदोलन करेंगे, और जब तक पानी नहीं देता है तो जब तक दूसरा लाइन नहीं देता तब तक हम लोग बेमुद्दा आंदोलन करेंगे। क्या इस समय 50% भी बारिश नहीं हुई है? कि किसके कारण हम लोगों को इतना परेशान किया जाता है? पूरा मीरा रोड परेशान है सिर्फ इससे। नेताजी बोले थे 24 घंटा पानी देंगे, जब चुनाव हो गया उस समय नेताजी ने वहाँ पर मीटिंग लगा के बोले कि 24 घंटा मेरा भाईंदर को पानी देगी। अरे 24 घंटा छोड़ो, 36 घंटे में नहीं पानी मिल रहा है, 36 घंटे में भी पानी एक दिन हफ्ते में तीन बार पानी नहीं मिल रहा है, और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े नेताजी वो देंगे ये देंगे, अरे पानी दे दो। सोसाइटी में हमको पैसा नहीं मांगता है, और हम पैसा लेके देने वाले भी नहीं है, लेकिन एक दिन खाली पानी मांगता है। 10 मिनट भी पानी किसी के घर में आता नहीं है, पीने को पानी नहीं है किसी के घर में, वोट लेने को सभी अभी दौड़ दौड़ के आएंगे। सोसाइटी में क्या हो रहा है कोई पूछता नहीं है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है कोई बोलता नहीं है। अरे विधानसभा तक तुम चुप ने, मेरा भाईंदर चंद्रेश एकॉर्ड अपोजिट सिल्वर पार्क 21 नंबर बिल्डिंग, इसको पानी नहीं मिल रहा है, इसी के बारे में दूसरा लाइन देना चाहिए। जब तक दूसरा लाइन नहीं देंगे तब तक हम लोग वोट भी नहीं करेंगे, और आंदोलन करने वाले भूख आंदोलन करेंगे वो भी बीएमसी ऊपर। निषेध 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 निषेध।
आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ।